बदायूं में कोविड-19 मरीजों के लिए बनाए गए L2 अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज के हालात बहुत ही बदतर स्थिति में हैं। यहां पर लगभग 100 कोविड मरीज भर्ती हैं, जिनके लिए 240 सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले तक ऑक्सीजन की कमी से दर्जन भर तक कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है। कई बार तो मरीजों को ऑक्सीजन को बहुत ही लो प्रोसेस से दी जा रही थी। अब भी बामुश्किल से मेडिकल कॉलेज को आधी मात्रा में ही ऑक्सीजन मिल पा रही है और बहुत से मरीजों को खुद ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। केवल इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज में 100 वेंटिलेटर हैं, लेकिन काम केवल 10 कर रहे हैं। बाकी 90 वेंटिलेटर कोने में कूड़े की ढेर की तरह पड़े हुए हैं। इन अव्यवस्थाओं की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का ट्रांसफर भी करा दिया गया, लेकिन हालात लगभग वही हैं। जिला अस्पताल का हाल भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ भी ऑक्सीजन का टोटा पड़ा हुआ है और मरीज बिना ऑक्सीजन के मौत के मुंह में जा रहे हैं। ज्यादातर मरीजों को जिंदा रहने के लिए खुद ही व्यवस्था करनी पड़ रही है। इन सबके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्वास्थ्य विभाग और जिले के आला अधिकारी लोगों के फोन तक नहीं उठाते। कुल मिलाकर जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं अभी खुद ही वेंटिलेटर पर हैं और कोविड मरीज भगवान भरोसे हैं।